नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में, जो आपका मानचित्र का जो पार्ट है विश्व का भूगोल उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें याद रखिए, अभी तक हम लोग बहुत बड़ा हिस्सा एक कवर कर चुके हैं आपका मैप्स का, ठीक है। अब कुछ ही पार्ट बचा हुआ है हमारा, कुछ देश बचे हुए हैं उनकी राजधानी। ये कंप्लीट होने के बाद आपका जो मैप्स का पार्ट होता है परीक्षाओं में वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तरी अमेरिका के देश देखेंगे और उनकी राजधानी देखेंगे। उत्तरी अमेरिका के देश और उनकी राजधानी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मैप्स में, देख लेते हैं कि आखिर उत्तरी अमेरिका हमारा है कहाँ। देखिए, ये है आपका एशिया पूरा, ये आपका यूरोप लगा हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। तो यहाँ हम लोग कैरिबियाई देश, कैरिबियन जो देश हैं उन्हें भी देखेंगे, जैसे क्यूबा हो गया, निकारा, यहाँ डोमिनिकन गणराज्य हो गया, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ, हॉन्डुरास, ग्वाटेमाला, मैक्सिको सिटी, ये सभी आपके उत्तरी अमेरिका में हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, वॉशिंगटन, कनाडा, यही हम लोग बात करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में अपना, ठीक है। तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका, इसी के बारे में हमें बात करनी है। तो इसमें ये है आपका अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका ग्रीनलैंड है, इसकी राजधानी नूक है, ये आपका बैफिन द्वीप है, यहाँ ये आपका कनाडा है पूरा, ठीक है। ये आपका ओटावा है, कनाडा की राजधानी। याद रखिए 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपकी जो है ये कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। आपकी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ऊपर कनाडा हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी हो गई। इसकी बात करें हम लोग उत्तरी अमेरिका की, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम लोग तो 60 डिग्री 15 मिनट उत्तर से 83 डिग्री 38 मिनट उत्तर में स्थित है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिम से 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिम तक आपका फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल की बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो इसका क्षेत्रफल है 2,42,38,000 पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। ग्रीनलैंड कैरिबियन द्वीपों सहित है आपका, ठीक है। इसका उत्तरतम बिंदु है कैप मॉरिस जोसेफ और दक्षिणतम बिंदु है डी अजेरो प्रायद्वीप। पूर्वोत्तम बिंदु है इसका ना डोस्टन डिंगजे। पश्चिमतम बिंदु है अलियुसियन द्वीप। उच्चतम बिंदु है माउंट मैकिनले 6,194 मीटर। निम्नतम बिंदु है मृत घाटी घाटी -86 मीटर, ठीक है। ये पूछ लेता है कभी आपके पॉइंट कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है, यहाँ का उच्चतम बिंदु क्या है, तो आपको याद रखना है। ये आपका मैक्सिको हो गया, इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी हो गई। यही आपका ये बेलीज, बेले मोपान होगी इसकी राजधानी। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, ये आपका होंडुरास है, तेगू सिगल्पा इसकी राजधानी, कोस्टारिका, सैन जोस, ये आपका यहाँ निकारागुआ हो गया, मानागुआ इसकी राजधानी, पनामा हो गया, पनामा सिटी इसकी राजधानी, ठीक है। तो यह है आपका उत्तरी अमेरिका। चलिए, तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख हम देश देखते हैं। कनाडा हम लोग मैप्स में देख चुके हैं, कनाडा, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें भी हम लोग याद रखेंगे। कनाडा की राजधानी आपको याद रखना है ओटावा है। स्वतंत्रता कब मिली कनाडा को? 11 दिसंबर 1931 को। शासन प्रणाली यहाँ की संविधानिक राजशाही के साथ संसदीय लोकतंत्र भी है। कनाडा की भाषा की बात करें तो अंग्रेजी,
फ्रेंच आधिकारिक रूप से। मुद्रा की बात तो करें तो कनाडियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 99,84,670 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। पड़ोसी देश की बात करें तो अमेरिका इसका पड़ोसी देश है। प्रमुख शहरों की बात करें ओटावा, टोरंटो, वैंकूवर, एडमंटन, मॉन्ट्रियल इसके प्रमुख शहर है। कनाडा का ईसाई धर्म क्या है? ईसाई, ठीक है। फिर आते हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी है इसकी वॉशिंगटन डीसी। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता मिली आपकी 4 जुलाई 1776। शासन प्रणाली की बात करें तो संविधान एक संघीय गणतंत्र है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका की भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी और स्पेनिश इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ की मुद्रा है डॉलर और क्षेत्रफल है संयुक्त राज्य अमेरिका का 98,26,630 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इसके कनाडा और मेक्सिको। प्रमुख शहरों की बात करें तो वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सिएटल, शिकागो ये प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शहर हैं। धर्म की बात करें तो ईसाई प्रमुख धर्म है। फिर आता है मेक्सिको। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको शहर। इसे स्वतंत्रता मिली 16 सितंबर 1810 को। यहाँ की शासन प्रणाली है संघीय गणतंत्र। मेक्सिको की भाषा की बात करें तो स्पेनिश और स्थानीय भाषा यहाँ उपयोग की जाती है, बोली जाती है। मुद्रा यहाँ की मैक्सिकन पीसो, पेसो मेक्सिको की मुद्रा है। कुल क्षेत्रफल है 19,72,550 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इसके बेलिज, ग्वाटेमाला, यूएसए। प्रमुख शहर है मेक्सिको शहर मोंटेरी, चिहुआहुआ और यहाँ का धर्म है ईसाई। फिर है आपका निकारगुआ देश है उत्तरी अमेरिका में निकारगुआ। इसकी राजधानी है मानागुआ। इसे स्वतंत्रता मिली 15 सितंबर 1821 में। यहाँ शासन प्रणाली है गणतंत्र। तो यहाँ की प्रमुख भाषा है स्पेनिश आधिकारिक, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है गोल्ड कोर्डोबा। कुल क्षेत्रफल है इसका 1,29,494 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश इसके हैं कोस्टारिका, होंडुरास। प्रमुख शहर है मानागुआ, माटागल्पा, चेनानडेगा और धर्म है यहाँ का ईसाई। फिर आपका पनामा देश। राजधानी इसकी पनामा सिटी और पनामा देश को स्वतंत्रता मिली आपकी 3 नवंबर 1903 को। यहाँ की शासन प्रणाली है संविधानिक लोकतंत्र। भाषा यहाँ की स्पेनिश और अंग्रेजी भी बोला जाती है, ठीक है। पनामा की मुद्रा है बाल बोआ। क्षेत्रफल है 78,200 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है कोलंबिया, कोस्टारिका। धर्म है आपका ईसाई यहाँ का पनामा का, ठीक है। फिर है आपका उत्तरी अमेरिका का अगला देश ग्वाटेमाला। राजधानी है आपकी ग्वाटेमाला सिटी और स्वतंत्रता मिली ग्वाटेमाले को 15 सितंबर 1821 में। शासन प्रणाली की बात करें तो संविधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य की शासन प्रणाली है। भाषा है स्पेनिश, मुद्रा है कुवेत जल और क्षेत्रफल है 1,08,890 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं बेलिज, अल सल्वाडोर, होंडुरास और मेक्सिको। प्रमुख शहर है ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला शहर, फेलोरेस, एस क्वेंटला और यहाँ का धर्म है आपका ईसाई। फिर उत्तरी अमेरिका में अगला आपका देश है बेलिज। राजधानी है बेलिज की बेलमोपान। इसकी स्वतंत्रता मिली से 21 सितंबर 1981 को। यहाँ की शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है स्पेनिश, क्योल अंग्रेजी आधिकारिक है अंग्रेजी, ठीक। मुद्रा है बेलिजियाई डॉलर। कुल क्षेत्रफल है 22,966 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है इसके ग्वाटेमाला, मेक्सिको। प्रमुख शहर हैं बेलमोपन, बेलिस शहर, ऑरेंज बॉक, पुंटा गुरेड गोल्डा। यहाँ का धर्म है ईसाई, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये आपका अलास्का हो गया।
ये आपका बैक हिंदू द्वीप है, यहाँ ग्रीनलैंड हो गया, ये आपका कनाडा है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा की राजधानी ओटावा हो गई, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, वॉशिंगटन डीसी हो गई इसकी राजधानी, फिर आपका मैक्सिको, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी, ये आपका है बेलीज देश, ग्वाटेमाला ये है आपका, अल सल्वाडोर ये है, और होंडुरास ये है, कोस्टारिका ये है, सॉरी निकारागुआ है आपका, ठीक है, ये आपका कोस्टारिका है, और ये आपका पनामा है, ठीक है। फिर कोस्टारिका है आपका उत्तरी अमेरिका का अगला देश, कौन है, कोस्टारिका, इसकी राजधानी है सैन जॉन्स, और कोस्टारिका को स्वतंत्रता कब मिली, 15 सितंबर 1821 में। शासन प्रणाली है यहाँ की लोकतांत्रिक गणतंत्र, यहाँ की प्रमुख भाषा है स्पेनिश, आधिकारिक है और अंग्रेजी, कोस्टारिका की मुद्रा है कोस्टारिका कोलोन, और कुल क्षेत्रफल कितना है 51,100 वर्ग किलोमीटर। वो पड़ोसी देश है निकारागुआ, पनामा, प्रमुख शहर है सैन जोस, गोल्फिटो, प्योटो, प्योटो लियोन, लाइबेरिया, और कोस्टारिका का धर्म है ईसाई। फिर आपका अल सल्वाडोर, राजधानी है सैन सल्वाडोर, स्वतंत्रता मिली 15 सितंबर 1821 को, यहाँ की शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, कुल क्षेत्रफल है इसका 21,040 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है ग्वाटेमाला, होंडुरास, प्रमुख शहर है सैन सल्वाडोर, सोनो नेट, सेंटा एना, अपोपा, और यहाँ का प्रमुख धर्म है ईसाई। फिर आपका ग्रीनलैंड, इसकी राजधानी है नूक, शासन प्रणाली की बात करें तो संविधानिक राजशाही के साथ लोकतांत्रिक गणतंत्र भी है, भाषा है अंग्रेजी डेनिश, मुद्रा है डेनिश क्रोन, और यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 21,66,086 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है आपका ग्रीनलैंड, धर्म है यहाँ का लूथर मतावलंबी, राता आपका होंडुरास, राजधानी है तेगू सिगाल्पा, और स्वतंत्रता मिली इसे 15 सितंबर 1821 को, शासन प्रणाली है संविधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य, भाषा है स्पेनिश, मुद्रा है लिम्पी, और क्षेत्रफल है इसका 112,090 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है इसके ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, प्रमुख शहर है तेगोसी गाल्पा, सैन पेड्रो सुला, टेला और डेली, यहाँ का धर्म है ईसाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जो कैरिबियन देश हैं उनके बारे में, तो चलिए एक बार हम लोग मैप्स में देख लेते हैं इनकी स्थिति कहाँ है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कैरिबियन क्षेत्र, ये आपका क्षेत्र है जो, इसे हम लोग कहते हैं कैरिबियन क्षेत्र, यहां हमें इन्हीं को देखना है, इन्हीं देश को, ठीक है। जैसे ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी से लगे हुए हैं पेनार डेल रियो, यूकेटन चैनल, सैन फ्यूगर्स, मतजात, फ्लोरिडा जलसंधि, सेंटा क्लारा, क्यूबा, कैमागुए, होलगिन, डी क्यूबा, सेंटियागो, कैमेन द्वीप समूह यूके में, यूके जे जॉर्ज टाउन, मॉन्ट टेगो बे जमैका, कैप हेतियन, हेती हो गया है, लेस्कियस, डोमिनियन गणतंत्र, सेंटियागो, ठीक है। ऊपर ये आपका अटलांटिक महासागर है, यही आपका ट्रक एवं कायकोस द्वीप समूह, ग्रेट बाहमास हो गया, ग्रेट अबाको, न्यू प्रोविडेंस, अंडोरा द्वीप, पोर्टो रिको, वर्जिन द्वीप समूह, सेंट क्विस, डोमिनिका, ये आपका एंटीगुआ हो गया, यहाँ बारमूडा, ठीक, बारबा डोस हो गया, सेंट लूसिया, रोसियो, सेंट विसेंट, बद्दा, ग्रेनेडिंज, ग्रेनाडा, नीदरलैंड हो गया,
क्यूबा, अरूबा, बोनेर, बिलेम स्टेट, पोर्ट ट्रिनिडाड व टोबेगो, ठीक है, यहां तक है आपका कैरिबियन देश। क्या है? कैरिबियन देश। तो कैरिबियाई देश में आपका पहला है एंटीगुआ बारबुडा, इसकी राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स। इसे स्वतंत्रता कब मिली? 1 नवंबर 1981। यहाँ की शासन प्रणाली है आपकी संसदीय, सरकार के साथ संविधानिक राजधानी राजशाही। भाषा है अंग्रेजी, मुद्रा है पूर्वी कैरिबियन डॉलर, क्षेत्रफल है इसका 442.6 वर्ग किलोमीटर, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है आपका एंटी गुआ बारमूडा। प्रमुख शहर है सेंट जॉन्स, इंग्लिश हार्बर टाउन, कोड रिंगटन और ईसाइया का धर्म। फिर कैरिबियाई देश में आपका है बहामास, राजधानी है नासारू, इसे स्वतंत्रता मिली 10 जुलाई 1973 को, शासन प्रणाली है संविधानिक संसदीय लोकतंत्र, भाषा है अंग्रेजी और केवल भी यहाँ की भाषा, मुद्रा है बहामियाई डॉलर, कुल क्षेत्रफल है 13,940 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश हैं इसके, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, प्रमुख शहर है नासारू और धर्म है ईसाई। फिर है आपका बांग्लादेश, कैरिबियाई देश में बारबाडोस, इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन, इसे स्वतंत्रता मिली 30 नवंबर 1966 को, शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र, भाषा है अंग्रेजी, मुद्रा है बारबाडियाई डॉलर, कुल क्षेत्रफल है 431 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है देश है, प्रमुख शहर है लॉक होल्डाउन द ग्रैंड और बैद सेवा, यहाँ का धर्म है ईसाई। फिर है आपका बरमूडा, कैरिबियाई देश, इसकी राजधानी है हैमिल्टन, इसकी शासन प्रणाली है संसदीय प्रणाली, राष्ट्राध्यक्ष है महारानी एली कार्प द्वितीय थी, इसके बारे में मोस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष बदलते रहते हैं। यहाँ की भाषा है अंग्रेजी और पुर्तगाली। फिर है आपका यहाँ की मुद्रा क्या है? बरमूडाई डॉलर, क्षेत्रफल है 53.3 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश हैं इसके, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, प्रमुख शहर है हैमिल्टन, डॉकयार्ड सेंट जॉर्ज और यहाँ का धर्म है ईसाई। फिर आपका देश है क्यूबा, कैरिबियाई देश में क्या है? अगला क्यूबा, इसकी राजधानी हो गई हवाना और स्वतंत्रता मिली इसे 20 मई 1902 को, शासन प्रणाली है साम्यवादी देश, भाषा है स्पेनिश, मुद्रा है क्यूबाई पेसो, कुल क्षेत्रफल है 110,860 वर्ग किलोमीटर, और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है देश है, प्रमुख शहर है आपके हवाना। तो यहाँ के देश हो गए हवाना प्रमुख शहर है सेंटियागो डी क्यूबा, लाइट टूनास यहाँ के प्रमुख शहर, धर्म है क्यूबा का ईसाई प्रमुख। पर अगला देश है आपका कैरिबियाई देश में उत्तरी अमेरिका में डोमिनिका, इसकी राजधानी है रोसियो और इसे स्वतंत्रता मिली है 3 नवंबर 1978 को, शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र, भाषा है अंग्रेजी आधिकारिक रूप से, मुद्रा है पूर्वी कैरिबियाई डॉलर, कुल क्षेत्रफल इसका 754 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है इसके, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, प्रमुख शहर है रोसे सेंट जोसेफ मैरीगोट और धर्म है यहाँ का ईसाई। अंगला अपना देश कैरिबियाई देश में डोमिनिक गणतंत्र, इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो, स्वतंत्रता मिली 27 फरवरी 1844 को, शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश, मुद्रा है डोमिनिकल पेसो, कुल क्षेत्रफल है 48,730 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है इसका हैती, प्रमुख शहर है सेंटो डोमिंगो बोनाओ ला रोमाना, धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका ग्रेनाडा, राजधानी है सेंट जॉर्ज, स्वतंत्रता मिली से 7 फरवरी 1974 को, संसदीय प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र, शासन प्रणाली क्या है? संसदीय लोकतंत्र, भाषा है अंग्रेजी अधिकारी और मुद्रा है यहाँ की मुद्रा है पूर्वी कैरिबियन डॉलर, कुल क्षेत्रफल है 344 वर्ग किलोमीटर,
पड़ोसी देश ने चारों ओर से समुद्र से घिरा है। धर्म है इसका ईसाई। फिर है आपका हैती, राजधानी इसके पोर्ट ओ प्रिंस। इसे स्वतंत्रता मिली 1 जनवरी 1804 को। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है फ्रेंच क्यों, दोनों आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है गोल्डे। कुल क्षेत्रफल है 27,750 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है डोमिनिक रिपब्लिक। प्रमुख शहर है पोर्ट ओ प्रिंस, सेंट मार्क, जेकमल, पोर्ट डेम पेप्स, और धर्म है ईसाई। अगला आपका देश है जमैका। इसकी राजधानी है किंगस्टन। स्वतंत्रता मिली इसे 6 अगस्त 1962 को। शासन प्रणाली संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र। भाषा है यहाँ की अंग्रेजी। मुद्रा है जमेकन डॉलर। कुल क्षेत्रफल है का 10,991 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है, चारों ओर से इस आपका समुद्र से घिरा हुआ है। प्रमुख शहर है किंगस्टन, लिंस टीड, मैपेन, और धर्म है यहाँ का ईसाई। फिर आपका अगला देश पोर्टो रिको। इसकी राजधानी हो गई सैन जुआन। शासन प्रणाली है राष्ट्रकुल देश, अमेरिका का हिस्सा है। भाषा हो गई स्पेनिश और अंग्रेजी। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। कुल क्षेत्रफल है 13,790 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रमुख शहर है सैन जुआन, पोन्स, कारोलिन, कारोलिना। धर्म है ईसाई। अगला देश कैरिबियाई देश है आपका सेंट किट्स एवं नेविस। इसकी राजधानी है बस्ते तरे। स्वतंत्रता मिली 19 सितंबर 1983 को। और शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है यहाँ की अंग्रेजी। मुद्रा है पूर्वी कैरिबियाई डॉलर। कुल क्षेत्रफल है 261 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है, चारों ओर से ये आपका समुद्र से घिरा हुआ है। शहर है बस्से टरे, सैंडी पॉइंट टाउन, और धर्म है आपका ईसाई। फिर है आपका सेंट लूसिया। इसकी राजधानी है कार्टरीज। इसे स्वतंत्रता मिली है 22 फरवरी 1979 को। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है अंग्रेजी, आधिकारिक और फ्रेंच भी यहाँ उपयोग में होती है। मुद्रा है पूर्वी कैरिबियन डॉलर। कुल क्षेत्रफल है 616 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है। प्रमुख शहर है कास्टरी, मेकाउड, और धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका सेंट वेसेंट, बद्दा, ग्रेनेड डिंज। इसकी राजधानी किंगस्टाउन। स्वतंत्रता मिली 27 अक्टूबर 1979 को। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच। मुद्रा है पूर्वी कैरिबियाई डॉलर। कुल क्षेत्रफल है 389 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश इसके चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। प्रमुख शहर है किंगस्टाउन, जॉर्जटाउन, और पोर्ट एलिजाबेथ। धर्म है ईसाई। फिर आपका त्रिनिदाद एवं टोबेगो। राजधानी है पोर्ट ऑफिसमैन। स्वतंत्रता मिली 31 अगस्त 1962 को। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है अंग्रेजी, अधिकारिक। मुद्रा है यहाँ की त्रिनिदाद एवं टोबेगो डॉलर। क्षेत्रफल है 5,128 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश इसके चारों ओर से पानी से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रमुख शहर है पोर्ट ऑफ स्पेन, सेपेरिया, पॉइंट निसास। यहाँ धर्म क्या है, ईसाई और हिंदू। ठीक है, तो ये थे आपके प्रमुख ईसाई कैरिबियन देश, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अब बात करते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका की जो राजधानी है और प्रमुख नगर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में, उन्हें याद रखना है। ओटावा यह कनाडा की राजधानी है तथा कनाडा का प्रमुख सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक नगर भी है। यह कागज एवं लुगदी उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यह ओटावा नदी के तट पर बसा हुआ है, ओटावा नगर। पर्याप्त का वॉशिंगटन डीसी ओटे मैक नदी के तट पर अवस्थित यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। यह कांग्रेस लाइब्रेरी, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, व्हाइट हाउस, पेंटागन नामक इमारत
अवस्थित हैं। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है आपका वॉशिंगटन DC, याद रखना है। फिर आपका मॉन्ट्रियल, यह कनाडा का क्यूबेक राज्य में अवस्थित कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यह सेंट लॉरेंस नदी के और ओटावा नदी के संगम पर स्थित है। यह रेलवे, जहाज निर्माण तथा इंजीनियरिंग सामानों का उत्पादन केंद्र है। यहाँ कनाडा का पैसिफिक रेलवे तथा कनाडा नेशनल रेलवे का मुख्यालय भी है। फिर आपका टोरंटो, कनाडा ओंटारियो प्रांत में अवस्थित कनाडा का सबसे बड़ा नगर। यह इंजीनियरिंग व वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। फिर आपका हेलीफैक्स, यह कनाडा की नोवा स्कोशिया प्रांत की राजधानी है। यह अटलांटिक महासागर का प्रमुख मत्स्य बंदरगाह है। इस नगर के पासवर्ती भाग से स्थित में स्थित एनापोलिस घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह ट्रांस कनाडियन रेलवे का सबसे पूर्वी टर्मिनल है। फिर आपका एडमॉन्टन, यह कनाडा के अल्बर्टा राज्य की राजधानी है। यह खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पोटास तथा कोयला बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। यह कनाडा का शीतकालीन क्रीड़ा स्थल है। यहाँ से प्राप्त तेल साइबेरिया ओंटारियो तक पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। फिर आपका सेंट जॉन्स, यह कनाडा के न्यू फाउंडलैंड प्रांत की राजधानी और प्रमुख बंदरगाह है। चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट वाले ग्रैंड बैंक का मुख्यालय है। यह मत्स्य उत्पादन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह नगर क्रोड लीवर ऑयल का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। फिर आपका हैमिल्टन, यह कनाडा के ओंटारियो प्रांत में अवस्थित कनाडा का प्रमुख नगर है तथा यह कनाडा बर्मिंघम के नाम से प्रसिद्ध है। यह इंजीनियरिंग का बल्लोह इस्पात उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है हैमिल्टन। फिर आपका विंडसर, यह कनाडा में इरी झील के तट पर अवस्थित नगर है। यह कनाडा का डेट्रॉइट के नाम से प्रसिद्ध है। यह इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर आपका वैंकूवर, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा नगर है। यह फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है। यह ट्रांस कनाडियन रेलवे का पश्चिमी टर्मिनल है। यह गेहूं, डिब्बाबंद मछली, लकड़ी, लुगदी आदि के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका बेनीपेग, कनाडा में बेनीपेग झील के तट पर अवस्थित नगर है। यह मनीटोबा की राजधानी व विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। यह ट्रांस कनाडियन रेलवे का मुख्य स्टेशन है। समूर फर का व्यवसायिक केंद्र व इससे निर्मित कपड़ों का प्रमुख उत्पादन केंद्र भी है। फिर आपका विक्टोरिया, यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है जो वैंकूवर द्वीप के दक्षिणतम भाग पर द्रव स्थित है तथा यह प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा एवं मत्स्य बंदरगाह है। अटलांटा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत की राजधानी है। कोका कोला का आविष्कार इसी नगर में हुआ था। यह अपने भव्य भवनों तथा रेस्टोरेंटों के लिए प्रसिद्ध एवं आधुनिक नगर है। प्रसिद्ध एवं एक आधुनिक नगर है। प्रयाग का बोस्टन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाच्यूट्स प्रांत राज्य की राजधानी एवं औद्योगिक नगर है। इसका ओल्ड नॉर्थ साउथ मिल मीटिंग हाउस, सुनहरे गुमत कला वाला भवन, ट्रिनिटी चर्च विश्व प्रसिद्ध है। फिर आपका शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका के एलिनोइस प्रांत का है नगर मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन है। यह पोर्क तथा बीफ उत्पादन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र भी है आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। क्लीवलैंड, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो राज्य का नगर है। यह इरी झील के तट पर स्थित नगर है। यह लोहा एवं कोयला का उत्पादन केंद्र तथा लोहे भट्टी हेतु इस्पात निर्माण केंद्र। यह रेडीमेड कपड़ों का उत्पादन का केंद्र भी है। फिर आपका लॉस एंजल्स,
इसकी स्थापना 1781 में स्पेनिश लोगों द्वारा की हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट का प्रमुख नगर है। यह सिनेमा व इलेक्ट्रॉनिक्स या सामान के लिए प्रसिद्ध है। इसको न्यू फैशन नगर भी कहते हैं। यहाँ स्थित डिज्नीलैंड विश्व प्रसिद्ध है। फिर आपका फीनिक्स, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। यह एल्यूमिनियम, लोहा इस्पात एवं हवाई जहाज से संबंधित उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है। फिर आपका साल्ट लेक सिटी, यह नए नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के ओटाहे प्रांत में ग्रेट साल्ट लेक तट पर अवस्थित है। यह चुकंदर से चीनी निर्माण, धातु उद्योग और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका डेनियर, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोरेडो राज्य में अवस्थित उच्च भूमि का मुख्य नगर है। यह वन माइल हाई सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह समुद्र तल से 1 मील की ऊंचाई पर रॉकी पर्वत पर अवस्थित है। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी राजधानी भी कहते हैं। तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रे गैरी, संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियान प्रांत में मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। यह लोह इस्पात उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। फिर आपका डेट्रॉइट, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन प्रांत में इरी झील के तट पर अवस्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मोटर वाहन उत्पादन केंद्र है। इसे ऑटोमोबाइल कैपिटल भी कहा जाता है। यह देश को 3 बड़ी ऑटोमोबाइल उत्पादन करने वाली कंपनियां जनरल मोटर्स, फोर्ड, किसलर के कारखाने या सुरंग द्वारा कनाडा के ओंटारियो नगर से जुड़ा हुआ है। फिर आपका सैन डियागो, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में अवस्थित है। यह अच्छे मौसम के कारण इसको सदाबहार बसंत ऋतु का शहर भी कहा जाता है। हवाई जहाज के निर्माण के अलावा यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का प्रमुख केंद्र। फिर आपका सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन प्रांत में अवस्थित यह हवाई जहाज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विमान निर्माता कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन हीड यहीं पर अवस्थित है। यह एल्यूमिनियम पिघलन एवं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर आपका फिलाडेल्फिया, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में दिलवारी नदी के तट पर अवस्थित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्लेस भी, बर्थ प्लेस भी कहते हैं क्योंकि स्वतंत्रता के समझौते पर 1776 में इसी नगर पर में हस्ताक्षर किया गया था। यह क्वेकर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आपका न्यू ऑर्लियंस, कौन सा है? न्यू ऑर्लियंस, यह नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित है। फ्रांसीसियों द्वारा 1718 में स्थापित किए गए इस नगर को विदेशी नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह तेल शोधन का प्रमुख केंद्र भी है। यह नगर नहरों द्वारा मेक्सिको की खाड़ी से जुड़ा है। सोती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी है। आपका सैन फ्रांसिस्को, यह नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट का यह बड़ा व्यापारिक तथा वित्तीय केंद्र भी है। यह द सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है इसे। यह खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात, तेल शोधन व जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र भी है। फिर आता है आपका न्यूयॉर्क, बिग एप्पल के नाम से प्रसिद्ध है नगर संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक एवं सांस्कृतिक राजधानी। यह हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। यह विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा भी है। यह ऊंची इमारतों का सागर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आपका ह्यूस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में अवस्थित प्रमुख बंदरगाह नगर है। यह तेल शोधन व पोत निर्माण एवं रासायनिक पदार्थों के उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। फिर आपका लास वेगास, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का प्रमुख नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में
यही सर्वप्रथम 1931 में जुआ को वैधानिक माना गया, अतः यह अपने कैसीनो के लिए प्रसिद्ध है। पर आपका होनोलुलु, यह नगर प्रशांत महासागर में राइन द्वीप के समूह के वो आहु द्वीप पर अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक काल पोर्ट है। पर आपका मेलवाकी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की विस्कोसिन प्रांत में मिशिगन झील के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। शिकागो मेलवाकी को औजार पट्टी रूम में जाना जाता है। फिर आपका पीटर्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया प्रांत में अवस्थित है। यह विश्व की लोह इस्पात की राजधानी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। इसे अपलेसियन क्षेत्र से कोयला और सोपियर झील के पास वाले क्षेत्रों से लोहा प्राप्त होता है। फिर आपका बफेलो, यह नगर संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क प्रांत में नियाग्रा जल विवाद के निकट स्थित है। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आटा उत्पादन का सर्वप्रमुख केंद्र है। फिर आपका बर्मिंघम, यह नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलबामा प्रांत में दक्षिणी अपलेसियन के पर्वतपादीय क्षेत्रों में अवस्थित है। यह दक्षिण का पीटर्सबर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। कोयला एवं लोहा की उपस्थिति के साथ ही तेल एवं जल विद्युत के कारण इस क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ है। यहाँ आपका बिटुमिनस कोयले का अत्यधिक निक्षेप है। पर आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क, यह नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के वायोमिंग राज्य में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फैथपूल गीजर यहीं अवस्थित है। यहाँ रेड इंडियन जनजाति भी पाई जाती है। फिर आपका मैक्सिको सिटी, यह नगर मैक्सिको की राजधानी एवं सर्वप्रथम नगर है, सर्वप्रमुख नगर है। यह विश्व के बड़े महानगरों में से एक है। यह मैक्सिको का औद्योगिक एवं सांस्कृतिक नगर भी। फिर आपका ओंटारियो, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख सोना खनन केंद्र है। देश का अधिकांश सोना यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रमुख उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश और उनकी जो राजधानियां थी उनसे संबंधित जो भी आपके तथ्य थे उन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के देश देखेंगे, उनकी राजधानियां देखेंगे। ठीक है।